नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कि लॉ करने के बाद ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं लॉ स्टूडेंट्स के पास। और दोस्तों, चूंकि जो ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इनफैक्ट इसको हम वीडियो को दो भाग में बनाएंगे, सो दैट यू नो हम हर टॉपिक के बारे, हर जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, उसके बारे आपको ब्रीफली सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो दे दें, सो दैट यू नो इट इज़ हेल्पफुल टू यू। दैट इज़ दी होल इंटेंशन। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई भी डिस्कशन करें और उसे अपलोड करें तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो वीडियो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शन हैं आपके पास, और साथ ही उस करियर ऑप्शन के साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके का माइंडसेट चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको ये तो हर कोई बता देता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बट जो माइंडसेट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल गेट यू इनटू अ जॉब, बट हैविंग दैट माइंडसेट विल कीप यू इन दैट जॉब। तो अगर आपका माइंडसेट, अगर वो उसके साथ खुश नहीं है जॉब करके, तो यू विल नॉट सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ जॉब, यू विल सर्वाइव ओनली इन द काइंड ऑफ जॉब जो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ हार्पिंग अपॉन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस जो कि आपको इंटरनेट पर आराम से मिल सकता है, we will talk about what is the required mindset which you require for a specific kind of job. शुरू में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, एक जो जो भी स्टूडेंट लॉ पास करता है उसके पास ये ऑप्शंस होते ही हैं, जो कि आप जानते हैं, वो है टू बिकम ईदर एन एडवोकेट और टू बिकम अ जज और टू बिकम एन इन हाउस काउंसिल, या फिर नंबर फोर होता है कि आप लॉ फर्म में नौकरी कर सकते हैं। ये चार ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम आपको और 10 ऑप्शंस बताएंगे, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, अगर आप ऐसे करियर ऑप्शंस को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका जो माइंडसेट है वो आपको लगता है इट इज नॉट फिट फॉर मी टू परस्यू दीज फोर ऑप्शंस। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडवोकेट का ऑप्शन है, तो आप जब लॉ पास करते हैं, जब आप ग्रेजुएट करते हैं, तो आपको एक जो लॉ का जो प्रैक्टिसिंग का जो लाइसेंसिंग होता है, लाइसेंस होता है, वो आपको जब मिल जाता है अपनी बार काउंसिल से, तो उसके बाद यू बिकम एन एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब है यू प्रैक्टिस द लॉ, मतलब कि जो लॉ थ्योरी में है उसकी जो रियल लाइफ प्रैक्टिस है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में, सो द जज सिटिंग देयर माइट नॉट ऑलवेज नो व्हाट इज द ट्रू पोजीशन इन लॉ। तो इट इज आवर जॉब एज लॉयर्स टू असिस्ट द जज, टू असिस्ट द कोर्ट टू कम टू अ कंक्लूजन। दैट इज व्हाई ये कहते हैं कि लॉयर्स ऑल्सो आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। और एडवोकेट के लिए जो माइंड सेट चाहिए आपको, माइंड सेट आपको ऐसा चाहिए कि यू शुड हैव an immense capacity to read, number one. Number two, you should have the capacity to understand where the client is coming from. Client ऐसा मतलब आपको क्या बोलना चाह रहा है, because most of the times clients जो बोलना चाहते हैं और जो बोलते हैं, those are two very separate things. So you need to have that capability to understand कि client exactly क्या करके आया है, या वो exactly क्या ऐसी चीज है जो उसके केस में है, टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम। थर्ड, टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट वांट्स, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। देर आर अ लॉट ऑफ लॉयर्स जो कि क्लाइंट को कमिट कर देते हैं कि दिस इज पॉसिबल, ये कर देंगे, बट दैट इज लीगली नॉट पॉसिबल। तो एज अ लॉयर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू टेल द क्लाइंट पॉइंट ब्लैंक कि दिस इज वॉट इज लीगली पॉसिबल एंड दिस इज वॉट इज नॉट। वी कैन ट्राई इन द कोर्ट, बिकॉज आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स क्लाइंट भी है टू आर्ग्यू हिज केस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। टेल द क्लाइंट व्हाट इज पॉसिबल व्हाट इज नॉट। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है यू कैन ऑल्सो एस्पायर टू बिकम अ जज आफ्टर यू पास आउट योर लॉ एग्जाम्स। जज के लिए देखिए दो लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज जब वेन यू पास आउट ऑफ योर लॉ स्कूल, फ्रेश आउट ऑफ लॉ स्कूल, उस टाइम पे आप लोअर जुडिशरी के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो उसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है लॉ डिग्री की, और जो माइंडसेट आपको रिक्वायर्ड है वो ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए कि सो यू नीड टू यू नो रीड अ लॉट एज अ जज। आपके पास अलग अलग मैटर्स की ब्रीफ्स आती हैं, यू नो यू नीड टू रीड अ लॉट यू नो, एंड इफ यू वांट अ सिक्योर जॉब, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जॉब सिक्योर रहे, जहां पर कि आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जहां पर कि यू नो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग विद अ सीनियर, आपको अपने सीनियर के हिसाब से काम करना होता है। व्हेन यू आर अ जूनियर और व्हेन यू आर वर्किंग विद अ कंपनी, तो आपको अपनी कंपनी के हिसाब से या लॉ फर्म के हिसाब से काम करना पड़ता है। बट जज के पास कंपैरेटिवली ज्यादा फ्री रहता है उनका जो काम करने का तरीका होता है।
सो इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन अ कंपेरेटिवली फ्रीयर एनवायरमेंट, तो बिकमिंग अ जज इज अ वेरी गुड ऑप्शन. यू कैन ईदर यू नो एस्पायर टू बिकम अ जज राइट आउट ऑफ योर लॉ स्कूल, और यू मे बिकम अ जज आफ्टर अबाउट 7 years ऑफ प्रैक्टिस. उसमें डायरेक्टली हायर जुडिशरी के लिए अपॉइंट होते हैं. वैकेंसीज जो लोअर जुडिशरी की होती है वो कंपेरेटिवली हायर जुडिशरी से ज्यादा होती है. तो वेन यू पासिंग आउट ऑफ लॉ स्कूल तब आपके पास चांस ज्यादा है जज बनने का. बट इफ यू सिट फॉर योर हायर जुडिशरी एग्जाम्स यू डायरेक्टली आर अपॉइंटेड टू द हायर जुडिशरी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो इफ यू पास योर हायर जुडिशरी एग्जाम्स आफ्टर अबाउट 7 years ऑफ प्रैक्टिस, तो आप डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की पोजिशन पे ही आपको मिलता है एज एन एडीजे और अ डीजे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. और जजेस की जो जॉब है उसमें एक और चीज है कि पे जो है पे भी डिसेंट है. आई एम नॉट सेइंग दैट द पे इज लेस. अब जो पे कमीशन के साथ पे रिवाइज होकर जजेस की जो पे है यू नो इट्स बिकम वेरी गुड, इट्स बिकम वेरी ल्यूक्रेटिव, बट इट्स नॉट एज हाई एज वॉट लॉयर्स मेक इवेंचुअली इन देयर करियर्स. बट दिस इज चॉइस दैट यू नीड टू मेक. अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि यू डोंट माइंड वेटिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आफ्टरवर्ड्स, तो जो लॉयर का जो एडवोकेट का जो ऑप्शन है दैट इज अ गुड ऑप्शन. बट इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट, इफ यू वॉन्ट प्रेस्टीज इन वॉट एवर यू डू एंड अलॉन्ग साइड मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एज योर सैलरी, इफ मनी इज यू नो एब्सोल्यूटली नॉट अ कंसर्न, अगर आप सिर्फ प्रेस्टीज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट किया जाए इन योर डे टू डे लाइफ, then becoming a judge is a very good option. And even for a lawyer, money should not be a concern. Money should be out of the picture. Money jo hai, that's a byproduct of your hard work that you put throughout so many years. So even as a lawyer, though eventually you will make a lot of money, but jab aap shuru mein kaam karte hain, money should be out of the picture. Money kabhi bhi nahi. Whatever you know lawyers do, it is for the betterment of their client, for the betterment of the society, for their benefit. So this is one very important aspect to be kept in mind. Next, dosto, the options that we have are working with a law firm or with, as an in-house legal lawyer. Law firm kya hota hai ki there are firms, kai badi firms hai, jahan par ki, you know, you can apply and you can work as a lawyer. Principally, wo, you are a retainer there, you're not their employee, but the work conditions are similar to that of an employee. The only thing is ki aapko jo license hai aapka practice karne ka, that will not go. In a law firm, but when you work with a company as an in-house counsel, तो जो practice to work है, जो आपका जो law practice करने का जो bar counsel से आपको license मिला है, that goes because you are an employee in the company. So this is one very important difference. And secondly, जब आप company के साथ काम करते हैं, तो you are working only for that company. जो भी आपका advice है, you are like the legal head of the company. But when you are working with a law firm, you might have many companies as your clients. So you understand that? I hope you understand that. Because in law firm, mein, you are working as a lawyer. But in a company, as an in-house counsel, you are working as an employee. You are working as the legal team of the company. So these were 4 options, which are traditional options, which every law student knows that after I pass out law, these 4 options are available to me. But there are 10 other options, which a law student should probably know or not know. The first option which I will tell you about alternate career options is journalism. Friends, law graduates in journalism is a lot of requirement. Because in today's date, if you open a newspaper, if you open any news channel, then every place, Supreme Court, High Court, District Courts, what is happening? Because we are passing through an age where there is a lot of action in India mein, as a democracy. So, there are viewers, there are listeners, there are people who want to know ki ye jo high profile matters hain ya jo day to day matters hame affect karte hain unme kya ho raha hai. So there's a huge demand for law graduates, people who can understand law in the field of journalism. Isme aapko you should have a knack for you know public issues to jo aap raise kar sakte hain aur wo constitutionally ya legally unka kya relation hai. You should be able to you know come up with ideas to file RTI. जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ फाइल करते हैं जिसमें सरकार से आप सवाल कर सकते हैं. यू शुड हैव अ नैक फॉर दैट. आपके पास एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो जो चीजें हो रही है उसे क्वेश्चन करें. और एक लॉयर के लिए, अ लॉ ग्रेजुएट के लिए ये बहुत ही अच्छी फील्ड है. बहुत डिमांड है कि कोर्ट में जाकर के केसेस को फॉलो करें, उनको समझें और उनको इस तरीके से इस फॉर्म में बनाएं कि आम लोगों को ये चीज समझ आए. इसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो ये है कि यू शुड बी विलिंग टू डू फील्ड वर्क. आप जा सके थाने में या कोर्ट में या जहां पर भी इंसिडेंट घटा है वहां जा सके, जैसे कि अभी हाथरस के केस में
जर्नलिस्ट जा रहे हैं, यू नो इवन ड्यूरिंग कारगिल वॉर देयर वर जर्नलिस्ट्स हू वर गोइंग देयर. सो इट्स मोस्टली यू शुड बी रेडी टू डू मोस्टली फील्ड वर्क. सेकेंडली यू शुड बी ऑफ एन वेरी इंडिपेंडेंट माइंड सेट. इंडिपेंडेंट माइंड सेट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ जर्नलिस्ट. थर्डली यू शुड बी फियरलेस, क्योंकि आपको देयर विल बी सिचुएशंस वेयर यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू पीपल हु आर इन पावर, पीपल हु होल्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. तो यू शुड हैव दिस माइंड सेट कि यू आर फियरलेस. एंड फोर्थली ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो फील्ड है जर्नलिज्म का, उसमें यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव, सो दैट यू नो आपको क्या करना है, वॉट इज इट दैट द सोसाइटी नीड्स. इस चीज को समझ करके आप अपनी जो भी आगे काम करें एज अ जर्नलिस्ट, तो दैट्स व्हाई यू नो देयर इज अ, अगर आपका क्रिएटिव माइंड सेट है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर बिकमिंग अ जर्नलिस्ट. नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन दोस्तों एक लॉ ग्रेजुएट के लिए है, वो है यू कैन बिकम अ ब्यूरोक्रैट. ब्यूरोक्रैट इज जब आप IAS होते हैं या IPS होते हैं या IFS होते हैं या इस तरीके के जो तमाम पोस्ट हैं, तो ये आप इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट. मान लीजिए आप IPS बन जाते हैं या IAS बन जाते हैं, तो इसमें जो आपकी लीगल नॉलेज है, दैट विल बिकम वेरी हैंडी, इट विल बी वेरी यूजफुल, बिकॉज यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट बिग टीम दैट टेक्स पॉलिसी डिसीजंस, नॉट जस्ट टेक्स बट मेक्स देम. तो इसमें आपकी जो लीगल नॉलेज है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट्स अ वेरी गुड फील्ड फॉर लॉयर्स, फॉर लॉ ग्रेजुएट्स आफ्टर दे पास आउट लॉ टू यू नो गिव अ शॉट इफ दे हैव द इंटरेस्ट. अगर उनको लगता है कि दे वुड वॉन्ट टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स, दैट्स अ वेरी गुड फील्ड फॉर लॉयर्स. और इसमें जो आपको माइंड सेट चाहिए वो ये है कि इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन अ सिक्योर वर्क एनवायरमेंट, बिकॉज द जॉब ऑफ अ ब्यूरोक्रैट इज वेरी सिक्योर. सेकेंडली you should have this willingness to do something for the people, for the country. So if you have this kind of skill set, so this job, ये जो career option है, it is ideal for you. Third option दोस्तों जो है वो है कि अगर आप किसी government body के साथ काम करें, government body का मतलब है जैसे मान लीजिए legislative council, जो विधानसभा या विधान परिषद या parliament के जो अलग अलग departments हैं, government के जो अलग अलग departments हैं, उसमें भी law graduates की काफी demand होती है. बिकॉज उनको जो लॉ है या पॉलिसी है उसको ले डाउन करने के लिए उनको लॉ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. पीपल हु कैन अंडरस्टैंड लॉ या जो सजेशंस दे पाए, उनके जो लॉ मेकिंग बॉडी है या लॉ मेकिंग पर्सन है उनको सजेशंस दे पाए रिसर्च करने के लिए या कोई भी लीगल इशू के बारे में समझने के लिए या बताने के लिए. तो देयर इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट डिमांड और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी लॉ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर लॉ स्टूडेंट्स. और इसमें जो आपका माइंड सेट रिक्वायर्ड है वो ये है कि यू शुड हैव एन एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड, एकेडमिक से जुड़े हों, आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ाई करना, समझना, पढ़ना जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, और एक विलिंगनेस टू लर्न, ऑलवेज विलिंगनेस टू यू नो एक डायरेक्शन देना, क्योंकि कंट्री की जो पॉलिसीज हैं उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए. क्योंकि शुरू में तो आप एक रिसर्चर या इसी पोस्ट में जाएंगे, बट वेन यू यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेन यू रीच द टॉप यू वुड प्रोबेबली बी वर्किंग विद पीपल जो कि पॉलिसीज को ले डाउन करते हैं कंट्री के लिए. तो द एबिलिटी टू लर्न एंड टू ग्रो, ऐसा अगर माइंड सेट हो तो दिस इज आइडियल फॉर यू. नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो है दोस्तों लॉ स्टूडेंट्स इज दैट ऑफ अ टीचर. टीचर का मतलब अगर जो लॉ के प्रोफेसर होते हैं, जो लॉ स्कूल में जो पढ़ाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर लॉ स्टूडेंट्स. इसमें यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू यू नो रीड अ लॉट, पढ़ाई करना, क्योंकि जो भी आप नेक्स्ट डे लेक्चर्स देंगे या अगर कहीं आप किसी सिंपोजियम में जा रहे हैं या किसी सेमिनार में जा रहे हैं, यू नीड टू बी अ मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं. एंड मोर ऑफन देन नॉट आजकल काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो रिप्यूटेड प्रोफेसर हैं, उनकी भी एडवाइस लेते हैं. सो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब. इसमें यू नो यू गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स बट द सोसाइटी एज अ होल. और इसमें जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो ये होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू यू नो रीड अ लॉट, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस और टीच वट एवर यू नो. आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग से जो भी आपको पता है, यू शुड बी एबल टू इम्बाइब दैट इन योर स्टूडेंट्स. दोस्तों चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम इसको यहीं पर अभी ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और पार्ट टू के लिए भी जुड़े रहें, और उसमें हम और भी जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, उसे हम बताएंगे आपको. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे कृपया लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें. और दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम लीगल इश्यूज के बारे डिस्कस करते रहते हैं, तो ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें.
So with that, I take your leave, friends. Stay safe and goodbye.